इंडिया की प्रीमियम 150 सीसी नेकेड स्ट्रीट बाइक सेगमेंट की सबसे पॉपुलर बाइक यामाहा FZS वर्जन 3 का 2021 मॉडल अब आ चुका है। और दोस्तों, कंपनी ने यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस के साथ ये मॉडल को अपडेट किया है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या कुछ यहाँ पे चेंजेस हुआ है और यहाँ पे आपको मैकेनिकल और कॉस्मेटिक दोनों ही चेंजेस देखने को मिल जाएगा, जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में बारीकी से समझाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे बंगाल राइडर यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट अर्जित। अगर आपने पहली बार चैनल में है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के हमारे साथ बने रहिए। और मैं ये वीडियो बना रहा हूं SNC यामाहा मोटर्स आंदुल हावड़ा में, जिनके शोरूम के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर चेंजेस की बात करें तो प्राइस में इंक्रीज हुआ है अराउंड 2500 रुपीज़, जो कि आपको अराउंड एक शोरूम प्राइस कोलकाता में आएगा 1,07,400 रुपीज़। और ऑन रोड प्राइस आपको शोरूम के नंबर पे दी जो नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, उसको वहाँ पे कॉल करके आप यहाँ पे जान पाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, विजुअली आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो आप मैट रेड कलर देख रहे हो, ये मैट रेड कलर कंपनी ने ग्लॉसी रेड को रिप्लेस करके यहाँ पे दिया है, जो कि मुझे और भी ज़्यादा यहाँ पे स्पोर्टी लग रहा है। और ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखें तो बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे मैकेनिकल चेंजेस नहीं है, गाड़ी मोर ऑर लेस बिल्कुल पहले जैसा ही है। अब दोस्तों, यहाँ पे अगर हम और चेंजेस की बात करें तो काफ़ी सारा चेंजेस यहाँ पे दिया गया है। और आगे की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे FZS जो लिखा हुआ है वो आपको 3D में दिख जाएगा, और ये कलर जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल नया है। अब पहले ये FZS नॉर्मल स्टिकर फॉर्म में आता था, लेकिन अभी इसको 3D बना के ये और भी ज़्यादा प्रीमियम मेरे ख्याल से बन चुका है। और वर्जन 3 का भी स्टिकरिंग आपको नीचे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद अगर देखें तो दोस्तों, यहाँ पे साइड पैनल और बिल्कुल टैंक के नीचे जो श्राउड है, इन दोनों को अब सिल्वर किया गया है, जो कि पहले बॉडी कलर्ड और ब्लैक में हुआ करता था। तो यहाँ पे ये दोनों ही यहाँ पे सिल्वर कलर किया गया है, जो कि एक काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रास्ट आपको दे देता है। और इसके बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे ड्यूल टोन मडगार्ड दिया गया है, जिसमें कि साइड में बॉडी कलर और बीच में से आपको ब्लैक कलर दिख जाएगा। और यहाँ पे बॉडी कलर्ड आपको रिम टेप्स या फिर रिम स्टिकर्स देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, यहाँ पे 2 kg का वेट रिडक्शन हुआ है। ऑप्शनल ब्लूटूथ का सिस्टम आपको मिलेगा, यानी कि ब्लूटूथ कनेक्टेड मीटर आप ऑप्शनल यहाँ पे ले सकते हैं। फिलहाल इस मॉडल में नहीं है, लेकिन और मॉडल में आपको मिल जाएगा, जिसमें कि काफ़ी सारा ऑप्शंस आपको मिल जाता है। और यहाँ पे दोस्तों, एक बेसी एग्जॉस्ट नोट दिया गया है, जिसमें कि मुझे लगा है कि एग्जॉस्ट की जो साउंड है वो पहले से चेंज हुआ है। और इसमें साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का सिस्टम अब दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब दोस्तों, इंजन को बिल्कुल अनचेंज रखा गया है। इसमें आपको सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड SOHC 2 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड ब्लू कोड BS6 कंप्लाइंट 149 cc का इंजन आता है। अब इसमें पावर पहले जैसा ही 12.4 PS मिलेगा एट 7250 RPM, और टॉर्क मिलेगा 13.6 Nm एट 5500 RPM। सिर्फ आपको यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट ही मिलेगा। और आप देख पाएंगे दोस्तों कि ये इंजन जो है, ये बहुत ही ज़्यादा लोअर जो RPM है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टॉर्क यहाँ पे जनरेट करता है, क्योंकि इसको BS6 में ज़्यादा ट्यून किया गया है। और यहाँ पे आप ये भी जानते हैं दोस्तों कि ये इंजन बहुत ही ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, तो आपको 45 से 50 तक का इजीली यहाँ पे माइलेज मिल सकता है अंडर डिसेंट राइडिंग, बोथ सिटी और हाईवे मिला के। अब हेडलैम्प को देखें तो हेडलैम्प स्प्लिट टाइप का है, आपको एक पार्किंग बल्ब मिलता है जो कि हैलोजन में, बाकी यहाँ पे जो हेडलैम्प है ये फुल LED में है। और ये डिसेंट इल्यूमिनेशन देता है, बहुत ज़्यादा लाइट आपको चाहिए तो आपको अलग से लाइट्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिकेटर्स यहाँ पे नॉर्मल क्लियर लेंस टाइप का, नॉन फ्लेक्सिबल टाइप का आता है, और पीछे भी आपको नॉर्मल बल्ब टाइप का ही बैकलैम्प मिलेगा। ओवरऑल बैकलैम्प का जो लुक है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लगा है, और इस बाइक से ये काफ़ी ज़्यादा सूट भी करता है। अब दोस्तों, इंजन कट ऑफ का सिस्टम जो दिया है साइड स्टैंड के साथ, इसमें आपको अगर गियर में गाड़ी रहेगा और अगर आप साइड स्टैंड को डाउन करते हो तो गाड़ी ऑफ हो जाएगा, इंजन ऑफ हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा सेफ्टी फीचर है। आपको यहाँ पे पाइप टाइप या फिर रॉड टाइप हैंडल बार मिलेगा, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का स्विच गियर है, आप एक कमांडिंग अपराइट पोजिशन में बैठ कर गाड़ी को चला पाएंगे। मीटर कंसोल यहाँ पे नेगेटिव टाइप का है, सारे टेल-टेल लाइट्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी इसमें आपको 2 ट्रिप मिलेगा, टोटल किलोमीटर्स, डिजिटल क्लॉक आप यहाँ पे देख पाएंगे, इसमें इको इंडिकेटर आता है। बाकी इसमें आपको RPM इंडिकेटर, स्पीड इंडिकेटर और फ्यूल इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल मीटर मुझे काफ़ी यहाँ पे आउटडेटेड लगा है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, क्योंकि मीटर को और भी ज़्यादा एडवांस किया जा सकता था, इसको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेडन किया जा सकता था। चाबी को अगर देखें तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे की दिया गया है, और टैंक के ऊपर इसका की स्लॉट है, और ड्यूल टोन टैंक है दोस्तों, तो आपको ब्लैक कलर के एक स्ट्रिप ऊपर दिख जाएगा। बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर यहाँ पे टैंक है, और FZ जैसी गाड़ियों का, या फिर अगर FZ की बात करें, लॉर्ड ऑफ द स्ट्रीट्स जिसे कहते हैं, तो टैंक यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा
यूएसपी है इसका, क्योंकि टैंक सबसे पहले नज़र चुराता है अपनी तरफ। आगे की तरफ आपको क्रोम की यहाँ पे ट्रीटमेंट मिल जाएगा, कुछ फेक एयर वेंट्स यहाँ पे बना हुआ है, यामाहा की एम्बलम आपको मिल जाएगी। ओवरऑल इसकी टैंक कैपेसिटी है 12.8 लीटर्स। और जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, अब नीचे की जो पैनल्स वगैरह है इसको अब सिल्वर किया गया है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग पहले के मुकाबले लगा है। अब इसमें आपको हाईवेज में 50 से ऊपर भी माइलेज इजीली मिल सकता है। सीट्स की अगर बात करें दोस्तों, तो सीट्स अब वर्जन 2 से जब वर्जन 3 हुआ था तभी से बहुत ही कंफर्टेबल किया गया था, और कम्यूटर पोजीशन में अगर आप गाड़ी को चलाते हैं, कम्यूटर इसको यूज़ करते हैं, पिलियन कम्फर्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा और राइडिंग कम्फर्ट भी सीट में आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। 790 mm लगभग इसका सीट हाइट है, और कम हाइट के लोग भी इसको आराम से चला पाएंगे। नीचे आपको एक इंजन काउल यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और दोस्तों यहाँ पे 12 वोल्ट का बैटरी आता है। आगे की तरफ अगर सस्पेंशन को देखें तो 41 mm डायमीटर का सस्पेंशन लगा हुआ है 130 mm ट्रैवल के साथ, और पीछे आपको 7 स्टेप्स प्रीलोड एडजस्टेबल हाइड्रोलिक जो मोनोशॉक है वो मिल जाता है। 2 kg का वेट कम हुआ है तो 135 kg का इसका कर्ब वेट है। दोनों ही तरफ 17 इंचेस के ट्यूबलेस टायर्स लगा हुआ है, सिंगल चैनल ABS यूनिट इसमें आता है। आगे की तरफ आपको 282 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है, और टायर की प्रोफाइल है 100x80 सेक्शन। अब टायर की जो ट्रेड पैटर्न है ये बिल्कुल ही सिटी फोकस्ड और हाईवे फोकस दिया गया है, स्ट्रीट फोकस दिया गया है, और टायर्स की अगर अलॉय पैटर्न की बात करें तो अलॉय पैटर्न यहाँ पे मुझे काफ़ी स्टाइलिश लगा है। पीछे की तरफ आपको रेडियल टायर मिलेगा 140x60 सेक्शन यहाँ पे टायर साइज दिया गया है, और 220 mm का आपको डिस्क मिल जाएगा, और शॉर्ट एंड स्टबी एग्जॉस्ट मिलता है। आपको यहाँ पे टायर हगर दिया गया है एक छोटा सा, जिसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और ये टायर हगर काफ़ी काम आता है। 1330 mm का इसका व्हील बेस आता है दोस्तों, और यहाँ पे अगर आप टॉप स्पीड की बात करें तो अराउंड 110 से 115 तक का, या फिर 120 तक के बीच में, 120 तक का आपको यहाँ पे टॉप स्पीड अप्रॉक्सीमेटली मिल सकता है, उससे थोड़ा कम भी मिल सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि टॉप स्पीड कौन कितना तक भगा सकता है। बाकी यहाँ पे दोस्तों अगर FZS की बात करें तो 2 kg वेट कम होने से इसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसमें आपको थोड़ा सा फर्क देखने को मिलेगा, और काफ़ी पहले से बेटर दिख रहा है मुझे ये मॉडल। और ओवरऑल अगर हम अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो नॉर्मल यहाँ पे मेंटेनेंस है, और सर्विस और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की अगर बात करें तो वो भी आपको FZS जैसी गाड़ियों में आराम से इंडिया में मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये 160 mm है। तो आपको ये अपडेट कैसा लगा है? आप ज़रूर बताइए गाड़ी आपको कैसा लगा, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। हम आगे फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए बाइक या स्कूटर के साथ। थैंक यू एंड ऑलवेज राइड सेफ।